टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जो आपको मिला जाता है लिविंग बीइंग्स में से, ठीक है, या फिर ऐसी चीज जो कभी ना कभी लाइव रही होंगी, अगर आपको उनमें से कोई कंपाउंड मिलता है तो ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये तो बेटा आदम जमाने की डेफिनेशन थी, ठीक है, तो दिस इज नॉट द एक्चुअल केस फॉर नाउ। अब हम ऐसे कंपाउंड्स को कंसिडर करते हैं जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। अगर ये तीनों एलिमेंट्स साथ में होते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं तो ऐसे कंपाउंड को मैं कहता हूं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा मुझे देखने मिल सकते हैं नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, ठीक है, ये भी देखने मिल सकते हैं। चलिए, अपना जो मेजर एम्फेसिस रहना है वो इस कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर रहना है। तो देखो, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन देखने मिलता हो और हाइड्रोजन देखने मिलता हो, कार्बन और हाइड्रोजन अगर दोनों साथ में देखने मिलते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो उसे मैं कहने वाला हूं एक हाइड्रोकार्बन। चलो, हमारे पास बन गया एक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कार्बन और एक एक हाइड्रोजन होगा। तो एक चीज देखिए, जैसे ये हो गया CH, तो जहां पे ये खाली जगह है उसका मतलब क्या हो गया H। तो आपके पास क्या है, आपके पास है एक CH4। तो मुझे बताइए ये एक हाइड्रोकार्बन बनेगा, जरूर बनेगा। क्यों बन रहा है, क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ कार्बन और कितने 4 हाइड्रोजन है। उसी तरीके से अगर मैं यहां पर देखता हूं, मतलब क्या हो गया है, ये इसके पास भी कार्बन है और इसके पास भी केवल हाइड्रोजन ही है जो कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये क्या बन चुका है, ये भी बन गया है एक हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों, अगर आपको ये हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया हो तो देखो आपको एक चीज बताते हैं, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आई वुड हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विद मी, समथिंग कॉल्ड एज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड समथिंग कॉल्ड एज अ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इफ एट ऑल आई टॉक ऑफ सैचुरेटेड, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चे, मेरे पास दो एडजेसेंट कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड। अगर आप सैचुरेटेड की बात कर रहे हो तो मेरे पास दो अंश, जो दो नेबरिंग या फिर एडजेसेंट कार्बन कार्बन के एटम्स होंगे उनके बीच में देखने मिलेगा एक सिंगल बॉन्ड। तो यहां पे मैंने कौन से बॉन्ड देखे हैं, सिंगल बॉन्ड, ठीक। अगर अनसैचुरेटेड की बात करते हैं तो यहां पर दो केसेस हो सकते हैं। पहला क्या कि दो एडजेसेंट कार्बन के बीच में आपको देखने मिल गया डबल बॉन्ड, ठीक है। तो पहला केस क्या हो सकता है, दो एडजेसेंट कार्बन के बीच में आपको देखने मिल रहा है कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। उसी तरीके से दूसरा केस रहेगा, उसमें क्या होगा, दो एडजेसेंट कार्बन के बीच में आपको देखने मिला क्या, ट्रिपल बॉन्ड। क्या देखने मिल गया बेटा, ट्रिपल बॉन्ड। तो एक में आपको दिखा डबल बॉन्ड, एक में आपको दिखा ट्रिपल बॉन्ड। तो बेटा हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों को ही अब समझ लेते हैं। देखिए, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड था कार्बन कार्बन का, अनसैचुरेटेड में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और जो दूसरा केस बनेगा उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं एन। क्या कहते हैं, एन। जो डबल बॉन्ड होगा उसको कहेंगे ईन, और जो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसको क्या कहा जाएगा, आइन। तो बेटा अपने पास क्या क्या हो गया है, अपने पास हो गया है एन, अपने पास हो गया है इन और आइन। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, इन का मतलब डबल बॉन्ड और आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो आप बोलोगे सर ये एन, इन और आइन है क्या, बेटा ये एन, इन और आइन जो है ये ही हमारे जो कंपाउंड रहेंगे उनकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे।
तो प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मान लीजिए हमारा नाम है गौरव मिश्रा, है ना, हमारा नाम मान लेते हैं गौरव गुप्ता, मान लेते हैं हमारा नाम है गौरव सिंह, और मान लो हमारा नाम है गौरव खान। जब इतना लिया तो एक और ले ही लेते, गौरव डिसूजा। देखिए अब मुझे नाम से मतलब नहीं है, गौरव है ना, सभी गौरव है, नाम से मतलब नहीं है, मतलब किससे, उसकी सरनेम से। तो जब मैं गौरव मिश्रा बोलता हूँ तो तुरंत मेरे दिमाग की खिड़की खुलती है और क्या समझ में आता है कि भैया ये तो ब्राह्मण है, पंडित जी हैं, पूजा करवाएंगे। जब मैं गौरव गुप्ता बोलता हूँ ना, गुप्ता का मतलब क्या हो गया, सर हम बनिए हैं, ठीक है, हम बन गए हैं बनिए। अगर मैं सिंह बोलता हूँ तो समझो सिंह का मतलब क्या हो जाने वाला है, आप लोग जानते ही हैं, सिंह इज किंग। उसी तरीके से आपने अगर खान बोला तो मैं बन जाता हूँ एक मुस्लिम, और अगर मैं डिसूजा लिखता हूँ तो मैं बन जाता हूँ एक क्रिश्चियन। तो हो सकता है कि नाम एक हो पर क्योंकि हमारी सरनेम अलग होने वाली है तो हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी पूरी तरीके से क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी बेटा। तो ये जो प्रॉपर्टी चेंज करवाता है किसी भी कंपाउंड की, उसको कहा जाता है उसका फंक्शनल ग्रुप। क्या कहा जाता है उसको, उसको कहा जाता है उसका फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए अपने पास अलग अलग किस्म के फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप। चलो जो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप मुझे देखना है ना, उसको मैं बोल देता हूं अल्कोहल। तो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप आ गया अल्कोहल। अगर अल्कोहल की बात कर रहे हैं ना, तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है उसका सिंबल बनता है ओ एच। क्या बनता है, ओ एच। उसी तरीके से जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप मेरे पास है वो है कीटोन। कौन है, कीटोन। और इसका जो मैं सिंबल लगाऊंगा वो रहेगा सी ओ, ठीक है, सी ओ बन गया है कीटोन। अगर मैं तीसरा लेता हूं तो उसको मैं बोलता हूं अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का मतलब बन गया क्या, सी एच ओ, अल्कोहल कीटोन अल्डिहाइड। एक और होता है, हैं तो काफी सारे पर हम लोग बहुत ज्यादा उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। एक होता है एस्टर, एस्टर का मतलब क्या हो गया, सी ओ ओ आर, जहां पे ये आर क्या है, ये होता है एक अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल ग्रुप क्या है, जब ये अल्केन अल्कीन और अल्काइन के बारे में डिस्कस करेंगे तब आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये हो गए अपने चार फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब ये फंक्शनल ग्रुप हैं तो इनके एंड में, जैसे हमने ये सिंगल बॉन्ड वाले को एन बोल दिया, डबल बॉन्ड वाले को इन बोल दिया और ट्रिपल बॉन्ड वाले को आइन बोल दिया, वैसे ही इन फंक्शनल ग्रुप के एंड में नाम लगाया जाएगा। अगर अल्कोहल है तो ओल, अगर कीटोन है तो ओन, अगर अल्डिहाइड है तो आल, और अगर एस्टर है तो ओएट, ठीक है। तो अल्कोहल के लिए ओल, कीटोन के लिए ओन, अल्डिहाइड के लिए आल और एस्टर के लिए ओएट। एक पांचवा ध्यान में आ रहा है, ये भी काम का है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। बोल दिया इसको हमने कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका सिंबल क्या लिख देंगे बच्चों, बताओ क्रांतिकारियों, इसका सिंबल क्या होगा, सी ओ ओ एच। और इसकी जो जो इसको नाम देंगे आखिर में उसको बोला जाएगा ओइक एसिड, ठीक है। तो अल्कोहल देखा, कीटोन देखा, अल्डिहाइड देखा, एस्टर देखा और कार्बोक्सिलिक एसिड देखा, इनका सिंबल भी देख ही लिया है, और इनके जो जो जिसे हम कहते हैं क्या, सफिक्स, वो भी हमने देख लिया है, ठीक है। तो पॉज करो वीडियो को और ये सब पहले लिख लो और समझ लो, क्योंकि अब जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं इनका नामकरण। अपने यहाँ पे होता है ना बेटा, बच्चा पैदा होता है तो उसको नाम देते पंडित को बुला करके,
पूजा वूजा कराई जाती है। यहाँ पर हम लोग नाम देने के लिए किसको बुलाएंगे, सोचो ज़रा। हम लोग बुलाएंगे IUPAC को, ठीक है। तो पंडित जी यहाँ पे ब्राह्मण नहीं आएंगे सर, ठीक है, यहाँ पर आएंगे IUPAC और इनको नाम देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, अब IUPAC का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होता होगा, बताइए IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये हो गया IUPAC का नाम। अब इन्होंने कुछ कंडीशंस दे रखी है हमें नाम देने की। देखिए इन्होंने क्या बोला है कि बेटा आपको ध्यान रखना है नंबर ऑफ कार्बन को, ठीक है, और उसके आगे आपको ये लगाना है सफिक्स। तो नंबर ऑफ कार्बन आपको ध्यान रखना है और सफिक्स ध्यान रखना है। नंबर ऑफ कार्बन मान लेते हैं एक कार्बन है हमारे पास, तो जब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ेगा, सॉरी एक कार्बन तो अकेला ही है, जुड़ने वाला नहीं है, वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, सॉरी फॉर दैट। तो जब भी एक कार्बन रहेगा तो उसके लिए सफिक्स आप लगाओगे मेथ। क्या लगा दोगे सफिक्स? मेथ। वैसे अगर आपके पास दो कार्बन है, मतलब अब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ता है, तो इसको आप बोलोगे एथ। एक कार्बन के लिए मेथ, दो कार्बन के लिए एथ। तीन कार्बन अगर है तो बेटा उसके लिए आप लगा दोगे क्या? प्रॉप। क्या लगा देते हो? प्रॉप। वैसे अगर चार कार्बन रहे, एक दो तीन और एक चार, तो इसके लिए लगाएंगे हम लोग क्या? ब्यूट। क्या लगा देते हैं? ब्यूट। वैसे ही अगर आपके पास पांच कार्बन है तो आप लगाओगे क्या? पेंट। अगर आपके पास छह कार्बन है तो आप लगाओगे क्या? हेक्स। अगर आपके पास सात है तो आप लगाओगे हेप्ट। आठ है तो आप लगा दोगे क्या बेटा? क्या लगाने वाले हो? आठ के लिए क्या होता है? ऑक्ट, ठीक है। इतने आठ सफिक्स आपको याद करने हैं। क्या? एक मतलब मेथ, दो मतलब एथ, तीन मतलब प्रॉप, चार मतलब ब्यूट, पांच मतलब पेंट, छह मतलब हेक्स, सात मतलब हेप्ट और सेवन मतलब ऑक्ट। अगर इतना समझ में आ गया है बेटा तो समझ लो मेरी बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आदि आपको समझ में आ जाएगी। देखिए अब हम इनको नाम देते हैं। देखो पहले हम लोग बात करते हैं अल्केन की। अगर अल्केन बोल रहा हूं तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई एक कार्बन जब भी दूसरे कार्बन के साथ जुड़ेगा तो उसके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। और ये सिंगल बॉन्ड वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उसके पीछे क्या लगने वाला है? एन। उसका सफिक्स क्या हो जाएगा? सफिक्स हो जाएगा उसका एन। बेटा यहां पर मैंने सफिक्स कर दिया, ये सफिक्स नहीं है, सॉरी फॉर दिस, ये होता है प्रीफिक्स, सॉरी फॉर दिस, ठीक है, ये होता है प्रीफिक्स, ठीक है। अब देखिए आपने यहां पे सफिक्स लगा दिया है एन। अब बताइए दो कार्बन है कि नहीं? दो कार्बन, दो कार्बन का मतलब उधर क्या होता है? एथ। तो लिखा एथ और सिंगल बॉन्ड है ना दो के बीच में, तो क्या बन गया? एथ एन। क्या बन गया है? एन, ठीक है। अब इस तरीके से तो बुक में दिए हुए नहीं है, बुक में तो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है CCHHHH कुछ ऐसा, तो इसको समझते हैं ये क्या है। अगर मेरे पास एक कार्बन है तो कार्बन के वैलेंसी बैठते हैं चार, एक दो तीन और चार। अब एक बात समझ लो बेटा, कार्बन बेचारा एकदम थका हारा है और इस हारे का सहारा कौन? हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन बेटा बड़ा दयावान है, जहां पे उसको दिखता है कि कार्बन अकेला पड़ रहा है वो क्या करेगा? तुरंत पहुंचेगा उसकी मदद करने। तो यहां पे भी मदद पहुंच गया है। कितना कार्बन है आपके पास? एक। हाइड्रोजन कितने बन गए हैं? चार। तो बेटा पहले लिखो कार्बन कितना? एक। तो यहां पे लिखा कार्बन वन। हाइड्रोजन लिखोगे फिर? लिखेंगे हाइड्रोजन फिर, कितने लिखोगे? चार। क्यों चार? क्योंकि यहां पर कितने हैं? चार, ठीक है। अब बेटा ये एक लिखो कि ना लिखो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बेटा आप समझ लो
ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो लगा दो एन। कितना कार्बन है? एक कार्बन। एक कार्बन का मतलब क्या? मिथ। तो इसका नाम क्या बन गया? मिथेन। उसी तरीके से अब मैं इसके स्ट्रक्चर को समझता हूं जो हमने यहां पे बनाया है, इथेन। देखिए सी बॉन्ड सी, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? चार, एक लग गई है, बाकी कितनी है? तीन। एक दो तीन, इसकी बात कर लो जरा, कितनी होती है? चार। लगी हुई कितनी है? एक। बच गई कितनी? तीन। तो लगा दो एक दो तीन। फिर से बेटा कौन आएगा मदद में? हाइड्रोजन आ गया, तो C कितने? दो। तो लिखो C टू। गिनो हाइड्रोजन कितने? एक दो तीन चार पाँच छ। एच सिक्स। नाम क्या बन जाएगा? दो कार्बन है, दो का मतलब क्या? एट। क्या कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है? हाँ है भाई। कौन से बॉन्ड है? सिंगल डबल ट्रिपल सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? ए। तो लगाओ ए और आगे कितने? दो, तो एथ एन। ठीक है, उसी तरीके से मान लेते हैं अब हम अपने पास एक कार्बन की चेन है जिसके अंदर कितने कार्बन है? पांच कार्बन, पांच पांच। बड़ा लंबा नहीं हो गया? थोड़ा सा पांच हो गया। चलो इसको देखो कितनी लग गई है, एक। होनी कितनी चाहिए थी? चार। कितनी कम पड़ रही है? तीन। एक दो तीन। इसको देखो कितने लग गए हैं? एक और एक, दो लग गए हैं। बचे कितने हैं? दो। एक एक। इधर देखो दो लगे हुए हैं, दो बाकी हैं, एक दो। इधर भी वही होगा, इधर सोचो जरा कितना है? एक। कितना बाकी है? एक दो तीन। देखो यहां पर लगा दो हाइड्रोजन सभी में, कितने बन रहे हैं बेटा? कार्बन कितने हो रहे हैं? गिना जरा, एक दो तीन चार पाँच। तो लिखो सी फाइव। अब देखो हाइड्रोजन गिनते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। तो ये हो गया बारह, और पांच कार्बन है, पांच का मतलब कितना होता है? पेंट। तो लिखेंगे पेंट। और आखिर में क्या है? अब ये रहा ना, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का मतलब एन, तो नाम क्या हो जाएगा? पेंट एन। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं बाकी फॉर्मूले बना दूंगा, ठीक है। पर जब इनको आप समझोगे और ये मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन इस तरीके से बनाओगे तो आपको पता चलेगा इनके अंदर एक कार्बन जब बढ़ रहा था, जब एक कार्बन बढ़ रहा था तो हाइड्रोजन कितने बढ़ रहे हैं? एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं दो। देखिए एक कार्बन था चार हाइड्रोजन, दो कार्बन छह हाइड्रोजन, दो बढ़ा है ना। तो बेटा इसके लिए बनता है एक जनरल फॉर्मूला जो क्या होता है? सी एन एच टू एन प्लस टू। ठीक है, जहां पर n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। चलो इस पर ट्राई करके देखते हैं। देखो n हम ले लेते हैं फाइव, तो c इंटू फाइव प्लस n कितना है? टू एन है, तो टू इंटू एन, एन कितना था? पांच। फाइव टू सा कितना हो गया? टेन। तो टेन प्लस टू कितना बनने वाला है? सी फाइव एच और ट्वेल्व। सही है, तो इस तरीके से भी आप इसके फॉर्मूले बना सकते हैं। तो ये जो बात हुई थी, ये बात हुई है अल्केन की। अब बात करते हैं अल्कीन की। अगर वो समझ में आया होगा तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान लग रहा होगा। ये बेटा ये याद कर लेना है फटाफट से, अगर चाहो तो पॉज करके दो मिनट में ये लिख लो, और वो तो समझो लिखने की दरकार नहीं, हो तो आपको ऐसे ही समझ में आ चुका होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब जल्दी जल्दी। बेटा वीडियो समझ में आ तो रही है ना, कि खाली बैठ करके ऐसे ही समय बर्बाद हो रहा है आपका। देखिए अब आते हैं अल्कीन पर। अल्कीन अगर आपको स्टार्टिंग वाला थोड़ा भी ध्यान में हो तो इसके अंदर होते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और इसकी सरनेम जो आखिर में हम लगाएंगे सफिक्स, वो क्या होगी? ई। क्या होगी बेटा? ई। तो देखो एक बात समझ लो, कभी भी ये कार्बन अगर दूसरे कार्बन के साथ जुड़ना है तो कम से कम तो दो कार्बन होने ही चाहिए।
एक कार्बन पे कभी भी अल्कीन पॉसिबल नहीं है, अल्कीन इज नॉट पॉसिबल फॉर सिंगल कार्बन। मतलब कभी भी तुम्हें मीथीन मिलने वाला नहीं है। तो इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, इस दो कार्बन के साथ में। तो देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी थी, चार, इस कार्बन की इतनी लग गई है दो, बची कितनी है दो, हारे का सहारा इधर भी लगा देंगे, इधर भी दो ही थी ना बेटा, तो दो लगा दिया, हारे का सहारा कौन, हाइड्रोजन। तो देखो इसकी बात करते हैं, सी कितने हो गए दो, एच कितने हो गए दो और दो चार, सी टू एच फोर। बेटा दो कार्बन का मतलब क्या होता है, इथ, और कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा इथ इन। उसी तरीके से यहां पर देखो जरा, सी बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, कितने कार्बन हो गए तीन। तो देखो एक बात, इधर कितने वैलेंसी हो गई है, एक लग गई है, बाकी तीन है, तो एक दो तीन लगा दो, इधर कितनी लग गई है तीन ऑलरेडी, दो तो इधर हो गई है और एक यहां पर, तीन लग गई है, बाकी कितनी है एक, लगा दो यहां पर, इसकी कितनी लगी पड़ी है दो, बाकी कितनी दो, लगा दो। तो एच 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 और एच, कार्बन गिनो एक दो तीन सी थ्री, हाइड्रोजन गिनो एक दो तीन चार पांच और छ सी थ्री एच सिक्स। नाम क्या, तीन कार्बन मतलब प्रॉप, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है डबल बॉन्ड मतलब ईन। पर यहां पर एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा, देखो एक दो तीन कार्बन, जिस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है वो नंबर आपको लिखना पड़ेगा। तो यहां पर देखो यहां से स्टार्ट करना है हमको, वन टू थ्री वन टू थ्री, देखो यहां से स्टार्ट करते हैं वन टू थ्री, तो इस कार्बन को मिला तीसरा नंबर। अगर यहां से स्टार्ट करते तो वन टू और थ्री, तो इस कार्बन को मिला पहला नंबर। तो जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको सिलेक्ट करना है, तो वन छोटा कि तीन छोटा, वन छोटा, तो इसका नाम हो गया वन प्रोपीन। अब क्योंकि एक है तो नहीं लिखने वाले हैं, तब भी चल जाएगा। उसी तरीके से दूसरा लिखते हैं सी 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 और सी। तो यहां पर देखिए इधर देता हूं, मान लो डबल बॉन्ड में एक यहां पर देता हूं और इसी का एक दूसरा यहां पर बनाता हूं, सी सी डबल बॉन्ड सी और सी। देखो यहां पर कितने कार्बन है, चार, इधर भी चार, पर डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो गई है, थोड़ी सी चेंज हो गई है। चलो पहले वैलेंसी सेट कर देते हैं, कितनी लगी है एक, बाकी कितनी तीन, एच एच एच, इधर दो बाकी, इधर एक बाकी, इधर भी दो बाकी, तो इसको क्या लिखेंगे, चार कार्बन है तो सी फोर हाइड्रोजन गिन लो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, एच एट। अब यहां पर भी वही सही रहेगा, थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूं मैं, एच और एच 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 एच, इधर कितना एक एच, इधर कितना एक एच, इधर कितना तीन, क्यों तीन बेटा, वैलेंसी देखना पड़ेगा। चलो गिनो कार्बन, एक दो तीन चार, सी फोर हाइड्रोजन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, बेटा सब कुछ सेम है, क्या नाम भी सेम रहेगा, नाम सेम रहेगा नहीं, क्यों देखो अगर यहाँ से गिनते हैं एक दो तीन चार, इसको मिला चार नंबर, पर चार तो बड़ा है, दूसरा पॉसिबल देखो एक दो तीन और चार, तो यहाँ पे इसको मिल गया एक, ठीक है। तो तुम बोलोगे सर एक पर भी है दो पर भी है, तो बेटा जो सबसे छोटा है एक और दो में कौन, एक, तो इसका नाम क्या रख देंगे हम लोग, ब्यूट वन ईन, क्या नाम रख दिया, ब्यूट वन ईन। उसी तरीके से यहां से जाते हैं एक दो तीन चार, या फिर यहां से लो एक दो तीन चार, कैसे भी करो दो पर ही आना है, फिर यहां पर दो है और यहां पर तीन है, दोनों में छोटा कौन दो, तो इसको क्या लिख देंगे, क्योंकि चार कार्बन है तो लिखेंगे ब्यूट और दो ई, ठीक है बेटा। तो ये था अल्केन और अल्कीन के बारे में, अगले वीडियो में बात करेंगे अल्काइन के नोमेनक्लेचर की। तो बेटा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें, आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ऑल्सो आपके
स्क्रीन पर ऐसा एक घंटी वाला बटन दिख रहा होगा लाल कलर का, उसको दबा देना ताकि जो आने वाले वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए. थैंक यू फॉर योर टाइम एंड स्टडी हार्ड. थैंक यू वेरी मच.